नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। सबसे पहले तो आप सभी को कैलेंडर न्यू ईयर का यानी कैलेंडर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही सीरियस जो बात है, सीरियस जो प्रॉब्लम है हमारे भारत देश की, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने सुन रखा होगा कि दलित समाज और स्वर्ण समाज, इसमें आजकल बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर, जो असामाजिक तत्व है वो इस बात का फ़ायदा उठाकर इनके बीच में और खाई बनाते जा रहे हैं, यानी इन लोगों के बीच में और दूरियां बनाते जा रहे हैं। और जो एग्ज़ाम्पल देते हैं वो किस बात का देते हैं, वो देते हैं तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है उस चौपाई का उदाहरण देते हैं। चौपाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चौपाई क्या है जो वो लोग बोलते हैं। चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई जो कि एक गलत चौपाई है, ये तुलसीदास जी ने लिखी ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जो एग्ज़ाम्पल देते हैं वो इसी चौपाई का एग्ज़ाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि देखिए स्वर्ण समाज जो है वो आप लोग को किस तरह का समझती है, आप लोग को दंड का अधिकारी मानती है और इस वजह से इन स्वर्णों को, इन लोगों को आपको दंड देना चाहिए, इन लोगों से कुल मिला के आपको दुश्मनी रखनी चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल इस चौपाई का देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी जिन्होंने कि अपनी पत्नी को ही गुरु माना था, या यूँ कह सकते हैं कि एक स्त्री को उन्होंने गुरु माना था, तो वो स्त्री को दंड देने का भागी या दंड देने का अधिकारी कैसे मान सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी ही नहीं है, ये बाद में किसी इंसान ने उसको तोड़ मरोड़ कर वहाँ पर डाली है। एक्चुअल में ये चौपाई तुलसीदास जी ने कहीं पर लिखी ही नहीं है। जो एक्चुअल चौपाई है वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में तुलसीदास जी ने कौन सी चौपाई लिखी है और लोग उसका लोग जो बताते हैं वो चौपाई कौन सी है, जिसके कारण से ये सारा बवाल होता है। तो जो एक्चुअल चौपाई वो ये है कि ढोल गवार क्षुब्ध पशु रारी। ध्यान दीजिए, चौपाई पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ढोल गवार क्षुब्ध पशु रारी। देखिए रारी को उन्होंने क्या बना दिया, नारी। शुद्ध को उन्होंने क्या बना दिया, शूद्र, जबकि एक्चुअल में ना तो शूद्र है और ना ही नारी है। शूद्र की जगह क्या है, क्षुब्ध, और नारी की जगह क्या है, रारी। देखिए आपको स्क्रीन पे सही वाली चौपाई मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों ही चौपाई यहाँ लिखी है, एक गलत वाली भी और एक सही वाली भी। गलत वाली ऊपर लिखी हुई है जो कि है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और जो सही वाली चौपाई है वो है ढोल गवार क्षुब्ध पशु रारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब मैं इसका जो एक्चुअल वाली चौपाई है उसका मीनिंग बताता हूँ। जैसे ढोल का मतलब तो आप जानते ही हैं, गवार का मतलब भी जानते ही हैं, लेकिन आगे क्या है, क्षुब्ध पशु। क्षुब्ध पशु का मतलब होता है ऐसा पशु जो कि पागल हो गया हो, या कह सकते हैं जो नियंत्रण में नहीं हो, या यूँ कह सकते हैं ऐसा पशु जो कि सही तरीके से बिहेव नहीं करता हो, ऐसे पशु को हम क्षुब्ध पशु बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है रारी। रारी का मतलब वो लोग जो हर बात पे विवाद करते हैं, विवाद वाले जो लोग होते हैं, बात बात पे विवाद करना, बात बात पे लड़ाई करना, हर बात पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहना, ऐसे लोग को रारी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या बोला है, ऐसे लोग जो बात बात पे विवाद करते हैं वो लोग, ऐसे जानवर, ऐसे पशु जो कि पागलपन जिसके ऊपर सवार हो गया हो या जो सही तरीके से नहीं रहते, ऐसे पशु। दूसरी बात गवार, और फिर इसके और साथ में ढोल। ये चार लोगों के बारे में, ये चार चीज़ों के बारे में तुलसीदास जी ने बताया है, ना कि शूद्र और नारी के बारे में। तो आपको ध्यान देना चाहिए, और जिन लोगों को भी ये चीज़ आती है उनको बाकी लोगों को बताना चाहिए कि भैया देखिए एक्चुअल चौपाई ये नहीं है जो कि आप लेके चल रहे हो और इसके और इसको लेके विवाद कर रहे हो, इसके लेके आप दूसरे लोगों से लड़ रहे हो। एक्चुअल में चौपाई क्या है वो चौपाई आप बताइए, उसका अर्थ बताइए, तब जाके लोगों को पता चलेगा और उनके मन से ये फालतू की जो चीज़ें हैं, गंदगी जो है वो निकलेगी और वो भी सही रास्ते पे चलेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे इतिहास में गलत तरीके से बताई गई है। आने वाले समय में मैं आपको बहुत से ऐसे वीडियो दूंगा जो कि इतिहास में गलत तरीके से बताए गए, जबकि एक्चुअल में वो कुछ और थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।